अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहु। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं यूट्यूब के भाइयों पर देखने वालों को सलाम करता हूँ। मैं परदेश में रहता हूँ। मैंने अली वीर के बारे में चंद बातें आप लोगों से शेयर करनी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जब ये देखा कि अली वीर ने अपने भाइयों से माँ बाप से सुलह कर ली है, तो उसने सुलह के बावजूद अपनी सालगिरह पर अपनी ना माँ को बुलाया, ना भाइयों को बुलाया, ना बहन को बुलाया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये कैसा आदमी है कि सामने से इतना मोमन है, स्क्रीन के पीछे इसका चेहरा कैसा है। जो लोग ये देखते हैं वो क्या समझेंगे, क्या सलूक इसका देखेंगे, तो उनके ऊपर कैसा बुरा असर पड़ेगा कि एक भाई अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रहा है, बहन के साथ क्या सलूक कर रहा है। इसका सलूक देखेंगे लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। आजकल वैसे ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप से बागी हैं। तो जब इसका चैनल पे देखेंगे ऐसा सलूक, तो उनके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि मेरे भाई ये जो तू कर रहा है बहुत बुरा है, ऐसा तो ये नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप का एहसान मंद रहो, माँ बाप की कदर करो। अली वीर का अपनी वालदा और बहन के साथ कैसा सलूक है, वो माँ जिसके पांव के नीचे जन्नत है, वो बहन जो भाइयों का मान होती है, जो भाइयों पर फख्र करती है, इनके भाई अली वीर ने क्या सलूक किया और अपने बाहर वाले भाई के साथ बहुत बुरा किया, और इसकी खुशी में अली वीर ने मजा खराब कर दिया। इसने अपने बाप के पास बैठकर अपनी माँ की बहुत बुराइयां की, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इसने अपने साले से अपनी माँ और बहनों की तस्वीर बनाई, कैसा घटिया काम किया। माँ बाप बहन भाइयों की क्या कदर होती है, क्योंकि मैं परदेश में रहता हूँ। मेरा वालद वफात पा गया तो मैं अपने वालद का चेहरा ना देख सका। इसके बाद मैं छोटे भाइयों को सेट किया पाकिस्तान और दो बहनों की शादी की। ये होता है बड़ापन। इसके बाद मैंने अपनी माँ को हज करवाया और अपने पास रखा। आज तक मैं अपनी माँ के सिले का अजर आज तक नहीं दे सका, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन में मुझे सुखी जगह पर लुटाया और आप खुद गिली जगह पर लेटी। आप ये दिलावर भाई को पूछ सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश में रहता है, कि प्रदेश में किस तरह अपने प्यारे कितने याद आते हैं। आज मैंने देखा मुनव्वर भाई ने अपने माँ बाप को दाएं और बाएं बैठाकर अपने बेटे की सालगिरह की है। अली वीर ने अपनी रीस करने के लिए अपनी सालगिरह मनाई के अपने माँ बाप बहन भाइयों को नहीं बुलाया। इसने अपने शाहद जो इसका काम करने वाला है, इसको इनवाइट किया, अपने बुलाया। अली वीर ने अपनी माँ की फैमिली को सालगिरह पर नहीं बुलाया, इसको अपने याद नहीं आए। आज अली वीर अपनी शादी की सालगिरह की है, लेकिन किसी अपने प्यारे को या माँ बाप को नहीं बुलाया, अपनी सालगिरह पर नहीं बुलाया। ये होती है सिला रहमी, ये होती है सुलह। मुझे ये साफ, ये मुझे दिल साफ किया है इसने। अली वीर ने अपने की अपनों की कदर क्या होती है। ये सिस्टर नाज़रीन का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
ये वीडियो मैं इस चैनल को दे रहा हूँ, मेरी बातों पर गौर करें व्यूवर, आप सब अपने करीबी रिश्तेदारों की कदर करें, शुक्रिया। मैं वीडियो बनाना चाहता था, इसमें वीडियो बना कर दी है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।